नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। मध्यकालीन भारत की जो हम श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें हमने मुगलों में अकबर तक के इतिहास को पढ़ लिया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जहांगीर और नूरजहां के विषय में। तो जहांगीर के विषय में जो मेरे सेशन होंगे, ये दो सेशन में बांटे हुए मैंने। आज के लेक्चर में हम केवल जहांगीर और नूरजहां के बारे में जानेंगे और जहांगीर के प्रारंभिक जीवन और उसके जितने भी शासनकाल में जो विद्रोह हुए उनके बारे में जानेंगे। अगले लेक्चर में मैं जहांगीर के समय में जितने भी सैन्य अभियान हुए हैं उनके विषय में आपको बताऊंगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी, दाहिनी तरफ जहांगीर की है, इसका चित्र अबुल हसन ने बनाया था, और बाईं तरफ आपको नूरजहां दिख रही है। और ये जो चित्रकारी है, इसके विषय में हम पहले ही बता चुके हैं आपको जब हमने मुगल पेंटिंग्स पढ़ी थी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं जीवन परिचय। जो जहांगीर है उसका मूल नाम सलीम था और शेखू बाबा इसको बोला जाता था, अकबर इसको शेखू बाबा बोलता था। माँ का नाम इसका जोधाबाई था, हरक्काबाई भी बोलते हैं, और मरियम उस जमाने की उनको उपाधि दी गई थी। इसका जो प्रारंभिक शिक्षक था वो अब्दुल रहीम खाने खाना था, और ये अब्दुल रहीम खाने खाना, इसके विषय में आपको पहले बता चुका हूँ जो हमने अकबर के नौ रत्नों के बारे में जाना था। तो जहांगीर ने बहुत सारी शादियां की हैं, वैवाहिक संबंध बने हैं। पहली पत्नी जो थी वो राजा मान सिंह की बहन मानबाई थी, इसी के द्वारा खुसरो का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी थी राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई, जिसको मलिकाए जहां कहते हैं, और इन्होंने खुर्रम को जन्म दिया। तीसरी पत्नी है साहिबे जमाल परवेज को जन्म दिया, और चौथी पत्नी जो है वो महरुन्निसा है, इसी को नूरजहां के नाम से जाना जाता है, नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध होती है, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जहांगीर का प्रारंभिक जीवन कैसा था। जैसे कि हमको पता है, मैंने आपको पहले बताया है कि अकबर को बड़े ही मुश्किलों से सलीम जो है वो पैदा होता है, और इसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से इसका लालन पालन किया जाता है और बहुत देख रेख में इसको रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद समाज की जितनी बुराइयां थी वो ये ग्रहण कर लेता है, और जैसे आपको मैंने फोटो में दिखाया, फोटो में उस पीछे आपको दिख रहा होगा शराब का एक प्याला रखा है और एक मटकी रखी है जिसमें शराब भरी हुई है। तो इसके बारे में कहा जाता था कि ये शराब का बहुत ज़्यादा शौकीन था। तो 1600 में जब अकबर असीरगढ़ का किला जीतने में व्यस्त था, तब सलीम ने विद्रोह करके खुद को इलाहाबाद का सम्राट भी घोषित कर दिया और साथ ही साथ अपने सिक्के भी जारी कर दिए अपने नाम के, जबकि अकबर उस समय बादशाह था। और 1602 में अबुल फजल की इसने हत्या करवा दी वीर सिंह बुंदेला द्वारा। कुछ समय के लिए अकबर ने जहांगीर के स्थान पर उसके बेटे खुसरो को उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोचा था, और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया विस्तार से कि जब हमने मुगल पेंटिंग पढ़ी थी तो मैंने पेंटिंग के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से अकबर जो है वो चाहता था कि खुसरो जो है वो जहांगीर की जगह उसका उत्तराधिकारी बन जाए, क्योंकि जो जहांगीर था वो बार बार ये तो इलाहाबाद भाग जाता था और अकबर के अभियानों में उसकी मदद नहीं करता था। जो राजपुताना में जो अभियान हुए उसमें कोई इसने मदद नहीं की, और इसके अलावा उसने उसके जो नज़दीकी इतिहासकार है अबुल फजल, उसकी भी हत्या करवा दी। तो जहांगीर ने आगरा जाकर समर्पण कर दिया इसके बाद, और अकबर ने उसे माफ़ भी कर दिया। और इसी के बाद 1604 में, क्योंकि अकबर का जो पुत्र था दानियाल, उसकी मृत्यु हो जाती है और सलीम इकलौता एक ऐसा बेटा बचता है अकबर का जो जीवित है। अकबर के काल में अकबर की मृत्यु के समय दरबार में उत्तराधिकार को लेकर दो गुट बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि जो खुसरो है वो किसका बेटा है, मैंने आपको बताया पहले भी, खुसरो जो है वो राजा मान सिंह की बहन मानबाई का बेटा है, तो राजा मान सिंह का भांजा हो गया। तो राजा मान सिंह जाहिर सी बात है खुसरो की तरफदारी करेगा। इसके साथ ही साथ राजा मान सिंह के साथ साथ मिर्जादीज कोका जी है, कोका जो है ये भी खुसरो के पक्ष में आ जाता है। तो इस तरह से जहांगीर के विपक्ष में उसका खुद का पुत्र ही खड़ा है और दो गुट में बढ़ गया पूरा दरबार। हालांकि खुसरो के पक्ष में जो व्यक्ति थे उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए जो सलीम है, जो जहांगीर है, वो 29 अक्टूबर 1605 में सिंहासन पे बैठ जाता है और उपाधि धारण करता है नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का मतलब है विश्व विजयी, और इसकी एक और उपाधि भी है नूरुद्दीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संतों के साथ रहता था, तो नूरुद्दीन वहाँ से इसने उपाधि धारण की, और बिना किसी राज्याभिषेक के उसने खुद ही अपने हाथों से मुकुट पहन लिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि प्रारंभिक उसने क्या कार्य किए, अपनी नीति की उसने घोषणा की 12 अधिनियमों को जारी करके। ये 12 अधिनियम जो है ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 12 अधिनियम। तो एक एक करके देख लेते हैं ये अधिनियम क्या थे। सबसे पहले तो उसने कुछ करों को हटाया, जैसे तमगा है, मीर बाहरी है, और मदिरा या अन्य नशीली वस्तु बनाना और बेचना अवैध घोषित कर दिया। तो ऐसा ही कुछ एक अधिनियम, यदि आपको याद हो, सल्तनत काल के भी एक सुल्तान ने जारी किया था, मदिरा या अन्य नशीली वस्तु बनाना या बेचना अवैध घोषित कर देना। और इसके अलावा जो तीसरा अधिनियम है, कोई सरकारी अधिकारी बिना आज्ञा के प्रजा में संबंध नहीं बना सकता। ये दो अधिनियम सल्तनत काल के किस सुल्तान ने जारी किए थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
और चौथा अधिनियम है गरीबों के लिए सरकारी औषधालय खोले गए। तो ये जो चौथा अधिनियम है ये भी किसी एक सल्तनत काल के किसी सुल्तान ने जारी किया था, इस तरह से गरीबों के लिए औषधालय खोलना, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उसका क्या नाम था। पांचवा है कान नाक काटने के दंड को समाप्त कर दिया, यानी कि अंग विच्छेदन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इस्लाम के ये विरुद्ध माना जाता है। तो ये चौथा और पांचवा दिल्ली के भी एक सुल्तान ने जारी किया था, दूसरा और तीसरा भी दिल्ली के सुल्तान ने जारी किया था, तो आप मुझे उनके कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा, तो इससे आपकी तैयारी कितनी पक्की चल रही है वो समझ में आ जाएगा। संपत्ति पे बलपूर्वक अधिकार की मनाही कर दी गई, गुरुवार और रविवार को जानवरों को मारने की मनाही कर दी गई, सड़कों के किनारे सराय बनवाए और कुएं खुदवाने का आदेश दिया गया, अकबर के समय पर नियुक्त किए हुए अधिकारियों को अनेक पद पर स्थायी कर दिया गया, मृत व्यक्तियों की संपत्ति के अधिकार का नियम बनाया गया। ये है जब्ती का नियम। जब्ती का नियम क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती किसी व्यक्ति की, तो उसका उत्तराधिकारी जो होगा वो उसको उसकी संपत्ति दे दी जाएगी, लेकिन यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी जितनी भी संपत्ति है वो राज खजाने में आ जाएगी और उसको जो है वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कहीं पे सराय बनवानी है, कुएं खुदवाने, उसके लिए उसका इस्तेमाल होगा। बंदियों को क्षमादान, मदद ए माश का प्रमाणीकरण। मदद ए माश क्या है? ये एक तरह का भूमि अनुदान होता है जिसमें किसी धार्मिक व्यक्ति को कोई भूमि दी जाती है, तो ये इसको मदद ए माश बोला जाता है। वाक्यात जहांगीरी से पता चलता है कि जहांगीर ने आगरा के किले से यमुना तक एक सोने की जंजीर लटकवाई जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। इस जंजीर की लंबाई 30 गज और वजन 32 मन था। इसमें 60 कड़ियां थी। मिर्जा ग्यास को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई। मिर्जा ग्यास जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, जो हम नूरजहां के बारे में जानेंगे। मराठों को पहली बार यदि किसी ने मनसबदार बनाया मुगलों में, तो जहांगीर ने बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए तथ्य है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वेदांत को ये मानने वाला था, जैसे मैंने आपको जब धार्मिक नीति बताई थी तब भी पढ़ाया था कि किस तरह से जद्रूप गोसाई से मिलने जाया करता था। 1612 में पहली बार राखी बंधवाई और इसको निगाह दस्त कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए तथ्य, निगाह दस्त किसको कहा, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। जहांगीर ने निगाह दस्त नाम का जो त्यौहार मनाया उसको हम क्या समझते हैं, आपसे पूछ देगा ऑप्शन में, दिवाली, होली, राखी, ये सब पूछेगा। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। जद्रूप गोसाई वाला भी एक बार एक प्रश्न आ चुका है नेट के एग्जाम में 2019 में, तो ये थोड़े से फैक्ट हैं, आप लिखते चलोगे तो अच्छा रहेगा। शहजादे खुसरो का विद्रोह जाता है 1606 में, क्योंकि जहांगीर जब 1605 में गद्दी पे बैठता है तो खुसरो को तो ऐसा लगता है कि अकबर ने तो मुझे मनोनीत किया था तो मुझे उत्तराधिकारी बनना चाहिए, लेकिन मेरे पिता बैठ गए हैं गद्दी पे। तो अब जहांगीर जो है उसके मन में भी शंका होती है कहीं ना कहीं कि खुसरो कहीं ना कहीं विद्रोह कर देगा, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कड़े अनुशासन लगाता है, उसको निगाह बंद करके रखता है। लेकिन एक दिन मौका पाके जो खुसरो है वो अकबर के मकबरे जाने के बहाने भाग निकलता है और हुसैन बेग और लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम उसका साथ देते हैं। जब खुसरो तरण तारण पहुंचता है तो गुरु अर्जुन देव ने उसको अपना आशीर्वाद दिया और कुछ धन दिया। अब ये जो अर्जुन देव उसको अपना आशीर्वाद देते हैं, धन देते हैं, इसकी वजह से अर्जुन देव के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबतें आ जाती हैं। खुसरो जो है जब लाहौर की तरफ बढ़ता है तो जहांगीर भी खुद पहुंच जाता है अपनी सेना लेकर और खुसरो को हरा देता है। खुसरो जो है वो काबुल की तरफ भागता है लेकिन पकड़ा जाता है। खुसरो को पकड़ के बंदी घर में डाल देते हैं और गुरु अर्जुन देव पे आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है जिसको देने से गुरु मना कर देते हैं, और इसी वजह से गुरु को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। आगरा के किले में खुसरो ने कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया और इस बात की जो भनक है वो जहांगीर को लग जाती है कि खुसरो उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा है। तो जहांगीर इससे पहले खुसरो कुछ कर पाए खुसरो को अंधा करवा देता है। बाद में उसको थोड़ा सा रहम भी आता है और फारस से एक हकीम को बुलाता है जिसका नाम है हकीम सद्र, और खुसरो की आंख का इलाज करवाता है और एक आंख उसकी ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो जहांगीर है वो उस हकीम को एक उपाधि देता है, मासिन उस जमा की। तो मासिन उस जमा की उपाधि उसने किसको दी, एग्जाम में पूछेगा आपसे। खुर्रम जहांगीर से अनुमति लेके, अब खुर्रम कौन है, जहांगीर का दूसरा बेटा है जो मैंने आपको पहले बताया, दूसरी पत्नी से जो हुआ है खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां बनता है, ये जहांगीर से अनुमति लेके खुसरो को अपने साथ दक्षिण अभियान में ले जाता है। इसकी मंशा ये है कि इसको मार दे, क्योंकि खुसरो के जीवित रहते खुर्रम आगे चल के उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा जहांगीर का, खुर्रम को ऐसा लगता है। तो खुर्रम उसको ले जाता है और धोखे से उसको बुरहानपुर में उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से खुसरो का जो विद्रोह है वो उसकी हत्या पे जाके खत्म होता है और जहांगीर इस खुसरो को इलाहाबाद के खुल्दाबाद में दफनाता है। और ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये खुसरो बाग है, इसको खुसरो बाग कहते हैं, इलाहाबाद में है ये, और ये खुसरो की कब्र के ऊपर बनाया हुआ एक मकबरा है जो जहांगीर ने बनवाया था। तो प्रश्न आपसे करेगा खुसरो का मकबरा कहाँ है, इलाहाबाद याद रखना है आपको, किसने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया है, खुसरो को किसने मारा है, खुर्रम ने मारा है। नूरजहां के ऊपर हम आते हैं जो हमारा आज का असली मुद्दा है, जिसका असल नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा का मतलब होता है
लाइट ऑफ वर्ल्ड, तेहरान के एक निवासी है ग्यास बेग, उसकी ये बेटी थी, जो कि जो ग्यास बेग है वो शाह तहमास्प यानी कि जो फारस का जो शाह है उसका वजीर था, और परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण ग्यास बेग भारत आ रहा था और कंधार में मेहरुनिसा का जन्म हुआ। अपनी काबिलियत के दम पे जो ग्यास बेग है वो काबुल का दीवान बन जाता है अकबर के समय में ही, और 17 वर्ष की आयु में मेहरुनिसा का विवाह अली कुली बेग से कर देता है। अब ये जो अली कुली बेग है इसको जहांगीर शेर अफगान की उपाधि देता है और बंगाल में एक जागीर भी देता है, लेकिन जहांगीर को पता चलता है कि जो शेर अफगान है वो राजाज्ञाओं की अवहेलना कर रहा है और विद्रोही होता जा रहा है। तो 1607 में जहांगीर ने बंगाल के राज्यपाल कुतुबुद्दीन को यह हुक्म दिया कि वो जाए और शेर अफगान को अधीन करे, लेकिन शेर अफगान यानी कि जो अली कुली है ये कुतुबुद्दीन की हत्या कर देता है, कुतुबुद्दीन मारा जाता है शेर अफगान के हाथों, लेकिन जो शेर अफगान है वो भी कुतुबुद्दीन के जो सैनिक हैं उनके हाथों ये भी मारा जाता है, मुठभेड़ में दोनों की मृत्यु हो जाती है, और मेहरुन्निसा और उसकी माँ को जो जहांगीर है वो राजमाता रुकैया की सेवा में लगा देता है। 1611 में जहांगीर ने नौरोज पर मेहरुन्निसा को देखा और उससे शादी कर ली। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि जहांगीर ने मेहरुन्निसा को कब किस ओकेजन पे देखा, कौन सा ऐसा मौका था जब जहांगीर ने देखा, तो नौरोज का जो त्यौहार होता है उसमें देखा 1611 में, और जहांगीर ने उसको पहले नूर महल की उपाधि दी और बाद में उसको नूरजहां की भी उपाधि दी। विवाह के बाद नूरजहां ने राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समझदार महिला थी, इसको राजनीति की समझ बहुत अच्छी थी, और प्रोफेसर वीडी महाजन सर भी लिखते हैं और यहाँ तक कि ईश्वरी प्रसाद सर भी लिखते हैं कि जो नूरजहां है उसकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी थी, वो बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेती थी कि क्या चीज़ राजनीति में कैसे उलटफेर करनी चाहिए। तो जहांगीर ने भी उसको बादशाह का चिन्ह धारण करने की अनुमति दे दी और नूरजहां जो है इस तरह से शाही समारोह झरोका दर्शन करने लगी, और बादशाह के हस्ताक्षर के साथ अब नूरजहां का हस्ताक्षर भी लिया जाने लगा। नूरजहां का प्रभाव इतना बढ़ा कि उसके पिता को सबसे ऊंचा मनसब यानी कि जो एतमादुद्दौला की जिसको उपाधि दी ग्यास बेग, उसको सबसे ऊंचा मनसब दिया जहांगीर ने 7000 का। नूरजहां का जो भाई है असफ खां उसकी भी पदोन्नति हुई, और असफ खां की जो बेटी है जिसका नाम है अर्जुमन बानो बेगम, इसकी शादी जहांगीर के बेटे खुर्रम से हुई। अब ये कौन है, ये अर्जुमन बानो बेगम है मुमताज महल, और जहांगीर का जो बेटा खुर्रम है वो है शाहजहां, तो इसकी शादी हो जाती है असफ खां की बेटी की शाहजहां से। नूरजहां एक गुट बनाती है जिसको बोला जाता है नूरजहां जुंटा, और यहां से प्रश्न आपके लिए तुरंत बन जाएगा नूरजहां जुंटा में कौन कौन सदस्य थे। तो नूरजहां ने जो गुट बनाया था उसमें जो सदस्य थे, एक तो उसका भाई है, एक एतमादुद्दौला उसके पिता है, और तीसरा महत्वपूर्ण जो सदस्य है वो है खुर्रम। नूरजहां का प्रभाव जो है अब हम दो कालों में पढ़ते हैं, एक तो काल वो जब उसके माता पिता जीवित थे और जो खुर्रम है और जो असफ खां है वो दोनों उसके साथ खड़े थे, दूसरा उसका काल वो है प्रभाव का जिस समय असफ खां और खुर्रम उसके विरुद्ध खड़े जाते हैं और ग्यास बेग की मृत्यु हो गई होती है। तो पहले काल में तो बहुत ज्यादा उन्नति होती है, उसका वर्चस्व का काल है 1611 से लेकर 1622 तक, और दूसरा जो काल है वो उसकी अवनति का काल है, उसका पतन का काल है नूरजहां के 1622 से 1627 तक। नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह किया शहरयार से, और ये जो शहरयार है ये जहांगीर का एक बेटा है जो कि दासी से हुआ है, और शहरयार में कोई ज़्यादा ऐसी खूबियां नहीं थी, कोई गुण नहीं थे, लेकिन क्योंकि नूरजहां ने अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था इसलिए वो चाहती थी कि जो शहरयार है ये जहांगीर का उत्तराधिकारी बने। तो यहां से खुर्रम के साथ क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, जो खुर्रम है वो नूरजहां की इसी महत्वाकांक्षा की वजह से उसके विरुद्ध हो जाता है, और असफ खान ने भी खुर्रम को ही समर्थन दिया। क्यों दिया, क्योंकि असफ खान ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया है, खुर्रम से किया है। इसी सब वजह से जो नूरजहां है उसकी महत्वाकांक्षाओं को वो हासिल ना कर सकी, और जहांगीर की मृत्यु के बाद जब खुर्रम गद्दी पे बैठा तो उसने नूरजहां को 2,00,000 वार्षिक पेंशन देकर लाहौर भेज दिया, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसको जहांगीर के पास दफना दिया जाता है। तो यहाँ पे नूरजहां का जो वर्चस्व है वो किस तरह से पतन की ओर जाता है, क्योंकि इसकी खुद की उसकी वजह है, और इसके ऊपर बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है, बहुत सारी डिबेट है कि जहांगीर ने शायद उसको पहले ही देखा था, नौरोज पे नहीं देखा, हो सकता है जहांगीर पहले से प्रेम करता था उससे, इस तरह से बहुत सारी डिबेट्स हैं, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। हालांकि जब कभी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा नूरजहां और जहांगीर के जो रिलेशन थे उसको लेके किन किन इतिहासकारों ने किस तरह से टिप्पणी की है, किसने किसने माना है कि शेर अफगान की मृत्यु में जहांगीर का हाथ था, किसने किसने माना है कि शेर अफगान की मृत्यु में जहांगीर का हाथ नहीं था, इन सब के ऊपर हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और फिर खुर्रम का जो विद्रोह होता है इसको भी इसी के साथ हम देख के पढ़ते हैं, क्योंकि
जो खुर्रम है वो विद्रोह सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि नूरजहां का जो प्रभुत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और नूरजहां जो है अब चाहती है कि खुर्रम जो है वो सेंटर में ना रह सके, मतलब यानी कि राजधानी में ना रह सके, और उसको किसी तरह से राजधानी से बाहर भेजा जाए। इसी समय कंधार के ऊपर फारस के शाह का आक्रमण होता है। कंधार के ऊपर जब ये आक्रमण होता है तो नूरजहां सजेस्ट करती है जहांगीर को कि कंधार के अभियान के लिए खुर्रम को भेजा जाए, लेकिन खुर्रम इस चालाकी को समझ जाता है कि अगर वो यहाँ से राजधानी से गया तो कुछ ना कुछ करके नूरजहां शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित करवा देगी, तो वो जाने से मना कर देता है, यानी कि राज आज्ञा की अवहेलना कर देता है। खुर्रम को नूरजहां के कहने पर जहांगीर ने दक्कन की सूबेदारी छोड़ने के लिए कहा, जिसे फिर खुर्रम ने मना कर दिया। तो खुर्रम ने विद्रोह कर दिया और अंततः जहांगीर की सेना ने उसे पराजित किया। अब ये जो जहांगीर की सेना जो पराजित करती है उसको, इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है उसका सेनापति महाबत खां। खुर्रम फिर माफी मांग लेता है, लेकिन उसको इस शर्त पे माफी दी जाती है कि वो अपने दोनों बेटे दारा और औरंगजेब को जहांगीर के दरबार में भेजेगा जमानत के तौर पर। तो अब आप समझ रहे हो कि जहांगीर ने अपने बेटे से बोला है कि वो अपने बेटों को भेजे जमानत के तौर पर। तो इस तरह से यहाँ से पॉलिटिक्स बिगड़ती है नूरजहां की वजह से, और इसके लिए नूरजहां के ऊपर बहुत सारे इतिहासकारों ने आरोप भी लगाया है कि जो खुर्रम ने विद्रोह किया और अब जो महाबत खां विद्रोह करता है, ये केवल और केवल नूरजहां की महत्वाकांक्षाओं की वजह से करता है, उसकी राजनीति में हस्तक्षेप की वजह से करता है। हालांकि जो डॉक्टर त्रिपाठी सर हैं उनका मत बिल्कुल अलग है, वो कहते हैं कि महाबत खां और खुर्रम को विद्रोही बनाने में नूरजहां का कोई हाथ नहीं था, ये उतना ही काल्पनिक था जितना कि इस घटना को जितना कि वो घटना कि नूरजहां को जहांगीर पहले से प्रेम करता था, जितनी वो काल्पनिक है उतनी ये भी काल्पनिक है। यानी कि डॉक्टर त्रिपाठी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो विद्रोह है और जो नूरजहां और जहांगीर की प्रेम की जो चर्चा जो इतिहासकार करते हैं कि विवाह से पहले भी प्रेम था, ये एक कोरी कल्पना है और कुछ नहीं है, तथ्यों से परे है। हालांकि नूरजहां की नीतियों से ही परेशान होकर महाबत खां ने विद्रोह किया और नूरजहां ने महाबत खां को बंगाल जाने का आदेश दिया, तो उसने जहांगीर को ही अगवा कर लिया। अब ये एक पहला और अंतिम ऐसा आपको दिखेगा पूरे मुगल साम्राज्य में कि बादशाह को ही किडनैप कर लिया गया है। तो बादशाह को किडनैप कर लेता है उसका खुद का सेनापति, और नूरजहां जो है वो जहांगीर को मुक्त कराने में सफल होती है। महाबत खां दक्षिण में खुर्रम से जा मिलता है और इस राजभक्त को विद्रोही बनाने का की जिम्मेदारी स्वयं नूरजहां की थी, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं। तो ये नूरजहां, महाबत खां, जहांगीर, खुर्रम, ये पूरी के पूरी समीकरण है, मैंने मोटे मोटे आपको समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में जहांगीर के जो विजय अभियान थे उनके बारे में, किस तरह से उसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, मेवाड़ को किस तरह से मिलाया। दक्षिण के जो उसके अभियान है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण के अभियान, हालांकि उसका द्वार जो है वो अकबर ने जरूर खोल दिया था, लेकिन मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त किया है जहांगीर के समय में। क्योंकि अब जब हम देखेंगे जो शाहजहां है, जो खुर्रम है, वो दक्कन का सूबेदार भी है और वो दक्कन की राजनीति को बहुत अच्छे समझता है। तो इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।